हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। फ्रेंड्स, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और उस पर आप अपनी यूट्यूब वीडियोस बना के डालते हैं, चाहे आप किसी कैमरे का यूज़ करते हैं या आप काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप काइन मास्टर से अपनी वीडियो की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें कौन कौन सी सेटिंग आपको करनी होती हैं जिससे आपको कम MB में ज़्यादा क्वालिटी की वीडियो मिल सके। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन के अंदर जाना है, तो हम इसे ओपन कर लेंगे इस पर क्लिक करके। तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपको ये प्लस का जो आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अब यहाँ से अपनी वीडियो की साइज़ हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये 16:9 यूट्यूब के लिए होता है, ठीक है। तो मैं यूट्यूब की वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे आपकी उसकी अच्छी क्वालिटी होगी। तो उसके लिए हम ये साइज़ सेलेक्ट करेंगे और हम जैसे ही साइज़ को सिलेक्ट करेंगे तो हमें मीडिया का ऑप्शन देता है और वहाँ से मैं अपनी कोई भी एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ इसमें जल्दी से। तो इस पर क्लिक करके वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक छोटी सी अपनी वीडियो अपलोड कर दी है, यहाँ पे 1 मिनट की है ये। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें क्या सेटिंग करनी है आपको, यहाँ पर आपको ये आइकन दिखाई देगा, सेटिंग का ही ऑप्शन होता है एक तरह से ये। तो आप जैसे ही इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने इसकी सारी सेटिंग खुल जाएंगी। तो आपको यही सेटिंग रखनी है जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो वास्टर वॉल्यूम आपको ऑफ रखना है, प्रोजेक्ट वास्टर मास्टर वॉल्यूम आपको 100% रखना है, और आपको ये जो ऑडियो फेड इन ये जो है इसको आपको हमेशा ऑफ रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, और फेड आउट आपको 2 पे रखना है, ठीक है, और इसको भी बंद ही रखना है आपको। ये सेटिंग आपको करनी है अपनी ऑडियो के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो के लिए सेटिंग है तो आपको ये भी ऑफ रखनी है। एडिटिंग के लिए है, यहाँ से आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं पर आपको नहीं छेड़नी, डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है इनमें से। उसके बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ये एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। तो अब ये वो चीज़ है जिससे आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपको रिजोल्यूशन क्या रखना है। यहाँ पे ये रिजोल्यूशन है, ये फ्रेम रेट है कि आपको फ्रेम रेट क्या रखना है, और यहाँ पे ये नीचे बिट रेट है कि आपको अपनी वीडियो का बिट रेट क्या रखना है, ठीक है। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप इसको कम करेंगे तो आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी, इसको ज़्यादा रखेंगे तो वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ हो रहा है कि अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो आपकी वीडियो की क्वालिटी तो बढ़ेगी पर उसका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको रिजोल्यूशन है इसके बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। तो आपको रिजोल्यूशन HD 720 पिक्सल रखना है, इसमें भी काफ़ी अच्छी वीडियो बनती है और अच्छी क्वालिटी की बनती है, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रेम रेट हमेशा 30 पे ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे बिट रेट है, इसको आप 8 से लेके 15 तक के बीच में रख सकते हैं। मैंने इसको 9 पे रखा हुआ है, आप चाहें तो इसे 8 पे भी रख सकते हैं, 8 पे भी आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो देखने को मिलती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज़ आपको 72 MB ये दिखा रहा है, लेकिन इससे कम ही साइज़ आता है, लेकिन क्वालिटी जो आएगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो यह हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप काइन मास्टर में अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी उसमें डाल सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने सीख लिया होगा कि आप काइन मास्टर से अपनी वीडियो की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।